आप सभी लोग एक शब्द सुनते रहते होंगे हमेशा, आद्य भूमि, या फिर सुनते रहते होंगे रामसर स्थल। आखिर ये होते क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लेता है और काफी बार लिखित परीक्षा में पूछ लेता है, या पर्यावरण से संबंधित आप कोई आंसर लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं, तब भी इन पॉइंटों को आप लोग डाल सकते हैं। भारत में कितनी आद्य भूमियां हैं और इसकी आखिर परिभाषा क्या है आद्य भूमि की, कि जो आद्य भूमि में एक तरह से सम्मिलित हो सकती है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आखिर अभी चर्चा में क्यों है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है? इससे जो संबंधित आपकी जो भी जानकारी है उस सबको जान लेते हैं। दिल्ली प्राधिकरण द्वारा यमुना नदी प्रवाहित अवशिष्ट जल के निदान के लिए एक योजना तैयार की गई है। एक बात और आपको बताऊं, 2014 से पहले गंगा का भी यही हाल था। गंगा आपने देखा होगा कि खुद अपने उद्धार के लिए, जो दूसरों का उद्धार करती थी वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही थी, क्योंकि इलाहाबाद कानपुर जो इस बनारस इसके पास, मतलब एक तरह से तट पर जो भी शहर बसे हुए हैं उसका जितना भी गंदा जल निकलता था वो डायरेक्ट गंदे नाले गंगा में मिल जाते थे। लेकिन आपने देखा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला 2014 के बाद से, नई गवर्नमेंट आई तो उसने काफी एक तरह से साफ किया। वो आपने देखा होगा कि कानपुर के जो भी इस तरह के चमड़े उद्योग थे उन्हें भी हटाया गया, और इलाहाबाद से आपने देखा होगा कि जो गंदा पानी आता था उसे भी उपचार करके छोड़ा जाने लगा है। यमुना नदी में बहने वाले अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली के प्राधिकरण द्वारा योजना तैयार की गई है, जिसमें प्राकृतिक रूप से लगभग 1500 मिलियन लीटर जल का प्रतिदिन ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस प्रकार यमुना नदी में अपशिष्ट जल के प्रवाह में कमी आएगी, जो यमुना नदी में प्रदूषण को कम करेगा। अभी आप देखेंगे डायरेक्ट क्या होता है कि कोई भी नाला आ रहा है नदी में छोड़ दीजिए, अब आप समझिए वो गंदा पानी से आ रहा है, गंदे पानी से आपके यहाँ से निकल रहा है, और वो जब नदी में मिलेगा तो नदी भी प्रदूषित हो जाएगी। और नदी में आप देखिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है उस पर, कहीं आप देखते होंगे कि पानी पीने के लिए पानी लिया जा रहा है, आप देखते होंगे इसमें जीव जो भी जंतु रहते हैं उन पर भी नुकसान होता है, ठीक है, उनकी भी एक तरह से संख्या में गिरावट देखी जाती है। इस योजना के वगैरह विषय में अगर बात करें तो यह स्वयं में एक प्रकार का अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग के अंतर्गत दक्षिणी दिल्ली जैव विविधता पार्क के पीछे लगभग 200 हेक्टेयर की भूमि पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी आर बाबू के द्वारा 15 मानव निर्मित आर्द्र भूमि व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस मानव निर्मित वेटलैंड सिस्टम में अपशिष्ट जल का निदान किया जाएगा और इसके लिए विभिन्न प्रकार के पौधों का प्रयोग किया जा रहा है। इस मानव निर्मित वेटलैंड सिस्टम से अपशिष्ट जल का ट्रीटमेंट होकर किलकारी नाली के द्वारा यमुना नदी में प्रवेश कराया जाएगा, और 11 मानव निर्मित वेटलैंड लैंड्स में एक का परिचालन प्रारंभ भी हो चुका है, अब 10 का बाकी है 11 में से, ठीक है। आखिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या है आखिर आद्य भूमि? तो आपने देखा होगा रामसर स्थल, सुना होगा आपने, ये ईरान का रामसर स्थल है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि, किंतिम या प्राकृतिक या फिर स्थिर या गतिमान, ताजा अथवा खारा, लवणयुक्त अथवा लवणयुक्त अलवणयुक्त जल क्षेत्र को भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है जहां निम्न ज्वार के समय गहराई 6 मीटर से अधिक हो। इस प्रकार आर्द्र भूमि गहरे पानी का वह स्थलीय निवास के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र है, और यह क्षेत्र जो अंशतः या पूर्णतः जल से संतृप्त रहता है, यानी कि इसमें डूबा रहता है। एक सामान्य से अगर परिभाषा की हम लोग बात करें तो देखिए, आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है, क्या होता है, ऐसा भूभाग होता है जो या तो स्थायी रूप से, या आप देखेंगे हर साल मौसम के समय हो सकता है, जल में एक तरह से डूबा रहता है, उसी को आप लोग क्या कह देते हैं, आर्द्र भूमि कह देते हैं। या तो ये पूरे साल भी डूबा रह सकता है या ये साल के कुछ महीनों में, ठीक है। आर्द्र भूमि के वर्गीकरण की अगर बात करें हम लोग तो आर्द्र भूमि को मुख्यतः रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, समुद्री आर्द्र भूमि, खाड़ी या जलडमरू मध्य, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, लैगून। और अंतर्स्थलीय आर्द्र भूमि की बात करें तो झील या तालाब, डेल्टा, क्रीक, अनुबन इत्यादि। अगर मानव निर्मित आर्द्र भूमि की बात करें तो एक्वा कल्चर, तालाब, छोटे टैंक, सिंचित कृषि भूमि इत्यादि। इन 3 वर्गीकरण यानी कि इसके जो टाइप हैं, 3, समुद्री भूमि, आर्द्र भूमि,
अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, मानव निर्मित आर्द्रभूमि, इन तीनों को याद रखिए। आर्द्रभूमि के संरक्षण की अगर बात करें हम लोग, तो 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के एक वैश्विक प्रयास के रूप में रामसर नामक स्थान पर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित हुआ था, और एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बहुउद्देशीय सम्मेलन किया गया था। इसीलिए आप समझिए कि ये ईरान में रामसर स्थल पर किया गया था, तभी आप लोग इसे क्या कह देते, रामसर स्थल भी कह देते। इसके अंतर्गत आर्द्रभूमि व उसके संसाधनों का कि संरक्षण तथा युक्तियुक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आप देखते होंगे कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। आपका यह समझौता 1975 में लागू हुआ, और इस समझौते में 131 माफ करिए 171 पार्टी शामिल हैं। कितनी? 171। भारत इस समझौते में 1982 में सम्मिलित हुआ है। भारत के बारे में विशेष तौर पर आप लोग याद रखा गया, कोई भी संगठन होता है इस तरह का, उसमें भारत कब सम्मिलित हुआ और कब उस संगठन की स्थापना हुई थी, कितने उसमें पार्टी शामिल है, मेंबर कितने शामिल है, ये सभी पॉइंट याद रखा गया, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है। और वैसे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हम लोग कवर कर चुके हैं, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, अगर कोई छूटा हो तो बताइएगा, उसे भी कवर करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते रहते हैं हर बार परीक्षा में। रामसर कन्वेंशन के अनुसार पक्षकार देशों के दायित्व आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय मत की आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित करना, जहां तक संभव हो आर्द्रभूमि और उसके उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, सीमा क्षेत्र की आर्द्रभूमि तथा साझा जल व्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्द्रभूमि रिजर्व बनाना। भारत में राजवार रामसर स्थल के अंतर्गत आर्द्रभूमियां अभी बात करें तो कुल 37 यानी कि 37 है आपके यहाँ, ये बदलती रहती है समय समय पर, तो आप लोग करंट से, इसीलिए तो कहता हूँ कि एक न्यूज़पेपर फॉलो किया करिएगा आप लोग, ठीक है? हिंदी मीडियम से है तो आपके लिए जनसत्ता है या फिर दैनिक जागरण है, ठीक है? उत्तर भारत की अगर बात करें हम लोग, उत्तर भारत कहने का मतलब ये होता है, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखते होंगे एशिया में हमारा प्यारा देश हो गया ये, ठीक है? इसमें ये आपकी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये आपका पड़ोसी श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है? तो इसे आप लोग उत्तर भारत कह देते हैं, इसे दक्षिण भारत, ये आपका पूर्वी भारत और ये आपका पश्चिमी भारत, ठीक है? तो इसकी बात कर रहा हूं ऊपर उत्तर की, तो इसमें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, बूलर झील, सोमोरीरी झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरेंसर मानसर झील, ये आपकी जम्मू एवं कश्मीर तथा कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंताल झील, पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि, ठीक है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, पार्वती 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 आगरा, समन, समस्तपुर, सांडी, सरवाई, नरवर, ठीक है? अगर पश्चिमी भारत की बात करें, पंजाब में हरेक झील, कांजली झील, केशवपुर, म्यानी झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, रोपड़ झील और नांगल, ठीक है? राजस्थान की बात करें तो सावर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात की बात करें तो नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य, ठीक है? आप जिस भी राज्य के हैं उसका जरूर याद रखा करिएगा, स्टेट में आपका जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको नंदूर, मद्देश्वर और मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, इसमें आपको पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरवन आर्द्रभूमि, उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील और भीतर कनिका, ठीक है? अगर पूर्वोत्तर की भारत की बात करें तो मणिपुर लोकटक झील, और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील, और असम में आपको दीपोर झील देखने को मिलेगा। अगर दक्षिण भारत की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरु झील, और तमिलनाडु में पॉइंट कलीमर वन्यजीव अभयारण्य, और केरल में आपको अष्टमुदी, षष्ट सष्टम कोटा और वेम्बनाड, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए मोंटेक्स रिकॉर्ड, ये क्या है? इसमें उन आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन पर मानवीय अतिक्रमण तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकीय की संकट उत्पन्न हो जाता है, और यह रामसर के अंतर्गत ही कार्य करता है। वर्तमान में भारत के 2 स्थल मोंटेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित हैं, कौन कौन से हैं?
केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और लोकटक झील मणिपुर का, इन्हें भी आप लोग याद रखिए। चिल्का झील को भी गाद जमा होने के फलस्वरूप मोन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था, परंतु 2002 में यह सरकारी प्रयासों से गाद को साफ किया गया और इस प्रकार चिल्का झील मोन्टेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया, पहले से शामिल किया गया था, लेकिन इसकी जो गाद थी उसका साफ हो जाने के कारण इसे अब इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, आखिर आर्द्रभूमियों का महत्व क्या है, इतना मतलब जोर क्यों दिया जा रहा है, किसी काम के लिए जरूरी तो होगी, इसका अगर महत्व ना हो तो किस लिए इतनी जाने इतनी आप सोचिए इतना कुछ किया जाए तामझाम। तो यह भोजन स्वच्छ ईंधन जैसे संसाधनों को उपलब्ध कराता है, यह जैव विविधता के संरक्षण मृदा अपरदन से सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण के रूप में पर्यावरण को सहयोग करता है, यह मृदा निर्माण पोषक तत्वों के चक्रण प्राथमिक उत्पादन जैसे प्राकृतिक क्रियाओं में सहयोग भी प्रदान करता है, यह पर्यटन को बढ़ावा भी देता है आपका, और लास्ट में आप कह सकते हैं कि आर्द्रभूमियां मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली प्राधिकरण द्वारा किया गया यह कार्य पर्यावरण में सहयोग के साथ साथ एक नवीन विचार को जन्म देगा जिससे नदी झील आर्द्रभूमियों का संरक्षण भी किया जा सकेगा। आप देखते होंगे पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी जो आपका टॉपिक है सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर 3rd से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, ये तो लिखित परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी तो आप लोग पढ़ते हैं पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, तो यही कहानी है आपकी आर्द्रभूमियों के बारे में। ठीक है, याद रखिए।